प्लीज बैठ जाइए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है सोनिया गांधी होता है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कह रहे हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है सोनिया गांधी होता है। करीब 10 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को धारीवाल का टिकट अटकने से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि धारीवाल का टिकट अटक गया है, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। यूजर्स के अलावा कई मीडिया संस्थान भी इसे धारीवाल के टिकट अटकने से जोड़ रहे हैं। दरअसल पिछले साल शांति धारीवाल के बंगले पर 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक बैठकों का दौर चला था, जहां 25 सितंबर को हुई बैठक में धारीवाल ने सचिन पायलट को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी। 27 सितंबर 2022 को धारीवाल सहित महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया गया। फिर 28 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारीवाल ने कांग्रेस के तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माकन पर साजिश करने के आरोप लगाए थे। टिप्पणियां और आरोप लगाने के बाद मामला और गर्मा गया। मामला शांत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से माफी मांगी, उसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो की सच्चाई पता करने के लिए जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान एक बात पर गौर किया गया। दरअसल सोनिया गांधी पर शायरी कहते हुए धारीवाल ने जो कपड़े पहने थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़े उन्होंने 28 सितंबर 2022 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहने थे। 28 सितंबर 2022 को गहलोत समर्थक विधायकों के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक से बायकॉट होने के बाद धारीवाल ने जयपुर स्थित सरकारी बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि 28 सितंबर 2022 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारीवाल ने ये शायरी कही थी, जिसमें धारीवाल ने कहा था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है सोनिया गांधी होता है। लेकिन बाद में जब फिर से वीडियो की दूसरी जांच की गई तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत साबित हुआ है कि उन्होंने टिकट अटकने के बाद सोनिया गांधी को लेकर ये शायरी कही थी। बता दें धारीवाल का ये वीडियो 28 सितंबर 2022 का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।